अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टैटोवाजिस की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किन वाले आलू हैं तो आपको पील ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आलू के मैंने 6 पीसेस कर लिए हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है राइस फ्लोर मतलब चावलों का आटा, आधा कप मैंने मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चॉप्ड लहसुन। बाकी के 2 आलूओं को मैंने काट लिया है, अब इसको बॉईल करेंगे। बर्तन में मैंने पानी लिया है, आलू के स्लाइस को मैं हाफ कुक कर लूँगी 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। आलू हाफ कुक हो चुके हैं, मैंने इनको बर्तन में निकाल लिया है, अब इनको ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं हम बाकी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, इसमें आधा कप मैदा डालेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड कर देंगे। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार है, मैंने इसे अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। अब अपनी दूसरी तरफ जाते हैं। ये हाफ कुक स्लाइस भी ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम इस पेस्ट में डिप करके प्लेट में निकालते जाएंगे। एक एक करके सब स्लाइस को हम इसी तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से डिप करते जाएंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। टैटो वेजेस हमारे तैयार हैं, मैंने इनको ट्रे में और प्लेट में निकाल लिया है। फ्राई करने से पहले मैं इनको फ्रीज कर दूंगी 1 घंटे के लिए। ट्रे वाले जो है मैं स्टोर कर लूंगी, आप भी 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, मैं भी इसको स्टोर कर लूंगी, और जो प्लेट वाले हैं उनको फ्राई कर लूंगी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, मैंने इनको फ्रीजर से निकाल लिया है, ये ठंडे हो चुके हैं, अब इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें टैटो वेजेस ऐड करेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। पोटैटो वेजेस हमारे तैयार हो चुके हैं, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी तैयार हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत सी टेस्टी से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।